विजय की दीवानगी अब मंदिरा के सिर चढ़कर बोल रही है। आज मंदिरा ने खेला है एक नया खेल। आज मंदिरा ने अपने झूठ का जाल फेंका है अनंत पर। आज मंदिरा कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से अनंत के दिल में घर कर चुका शक और भी गहरा हो जाएगा। देखिए कैसे मंदिरा तबीयत खराब होने का नाटक करके अपने कमरे में आती है और उसके पीछे पीछे चला आता है अनंत भी। इसके बाद अनंत मंदिरा के पीठ पर देखता है कुछ ऐसा कि अनंत हो जाता है गुस्से से आग बबूला। आइए अब चलते हैं अनंत के पास, जिनके चेहरे पर तो गुलाल है लेकिन मुंह गुस्से से लाल है। उनसे ही जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अनंत का गुस्सा सारी हदें पार कर गया। क्या बात है मंदिरा, एक और नई कहानी। इस बार तो आपने अनंत के सामने झूठ का ऐसा जाल बुना है कि उसे आपकी और विजय की लव स्टोरी भी पता चल जाएगी और आप पर किसी का शक भी नहीं जाएगा। एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत कोशिशें कर ली कि कैसे अनंत को पता चलेगा, जब तक अनंत को पता नहीं चलेगा कुछ मेरा सॉल्व होने वाला है नहीं। तो मैंने खुद ही अपने हाथों से ये निशान बनाए हैं और अनंत को ये मतलब अभी मैं जताने की कोशिश कर रही हूँ कि विजय के साथ कभी मेरा अफेयर था और विजय ने ये सब कुछ किया है। क्योंकि मैं सबको ही फंसाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कोई मेरे साइड हो ही नहीं रहा है। सो डायरेक्टली नहीं बताती हूँ, इनडायरेक्टली मतलब घुटन हो रही है, ऐसी एक्टिंग कर रही हूँ उसके सामने। तो वो जब ट्रिप खोलता है देखता है क्या हुआ, बट मैं उसको फिर भी नहीं बताती हूँ। और चुपके से मेरा एक कोई लव लेटर होता है पुराना विजय के साथ वाला, वो भी गिरा देती हूँ, वो भी पढ़ लेता है वो, लेकिन उसमें नाम नहीं लिखा है किसी का। तो अनंत को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रखा हुआ है मैंने, ताकि उसको खुद पता चल जाए। तो आने वाले जो एपिसोड्स है आई होप कि उसमें अनंत को मैं सच बता पाऊँ। वैसे अनंत, मंदिरा आपके सामने झूठ पर झूठ बोले जा रही है और आप है कि उस पर अंधा यकीन किए हुए हैं। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? सस्पेशन होते रहते हैं, बट वो मंदिरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए मंदिरा कुछ भी उसको पहला कुछ ताकि कुछ बोल देती है तो वो मान जाता है। लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे उसके डाउट्स और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। सो आई डोंट नो कब तक मंदिरा उसको टुकड़ों बना दे। वैसे वैसे अनंत, यहाँ आप बार बार मंदिरा पर सच बताने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, क्या इस बार मंदिरा आपको सब सच बता देगी? एग्जैक्टली, मुझे जानना ही जानना है, बट आई रियली डोंट नो वो मैनिपुलेट करके मुझे सही जवाब देगी। ऑब्वियसली सही जवाब नहीं देगी क्योंकि उसका ये प्लान है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या स्टोरी पका के मुझे। मंदिरा, आप विजय को पाने के लिए अपनी शादीशुदा गृहस्थी बर्बाद करने पर तुली है, आखिर कब होगा आपको अपनी गलती का एहसास? फिलहाल के लिए मैनिपुलेट करेगी, लेकिन जब आगे जाके मंदिरा को रियलाइज होगा कि विजय के लिए जितना कुछ कर रही है सब करके कुछ मतलब है नहीं, तब शायद उसको लगे कि उसने अनंत के साथ सच में बहुत गलत किया है और वो सच में उससे प्यार करता है, तब जाके शायद उसको रियलाइज हो। लेकिन अभी तो नहीं होगा, अभी बस उसको विजय चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। जहाँ एक तरफ मंदिरा हर रोज विजय को पाने के लिए कोई ना कोई नई साजिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विजय के घर वापस लौट आई है बुलबुल, जिसे देखकर गायत्री उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे बाप रे, ये तो भूत नहीं साक्षात महारानी पधारी है। क्यों रे, उस दिन तो बड़ा पैर पटक के गई थी कि तुम लोगों के सामने नहीं रहना, तो फिर क्या क्या हो यहाँ पे? क्योंकि हम लोगों को धर्म दिखा चुकी हो, इससे पहले कि तुम हमें धर्मों में ठके दो नहीं तुम्हें घर से बाहर निकाल देती हूँ, जो निकल आए। वेल, एक तरफ है पति पत्नी का पवित्र रिश्ता तो दूसरी तरफ है इश्क की दीवानगी। ऐसे में सवाल ये है कि किसका प्यार जीतेगा।